आज की इस वीडियो में मैं आपको लेडीज पैंट के तीन इतने इम्पोर्टेंट टिप्स बता रही हूँ जिससे ना तो पैंट कभी खिंचाव करेगा और ना पैंट कभी टंगेगा और ना पैंट कभी घूमेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पैंट में जो भी मिस्टेकें हो रही थी वो फिर कभी भी नहीं होंगी। तो पैंट की कटिंग के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा और आज मैं आपको लार्ज साइज के पैंट की कटिंग बताऊंगी। 2 मीटर की कपड़े की लंबाई है और 35 इंच का इसका अर्ज है। अब आपको क्या करना है कि पहले कपड़े को सीधा फैलाना है और उसके बाद इस कपड़े को डबल में फोल्ड कर लीजिए तो ऊपर की साइड हो जाएगा उल्टा कपड़ा। जो भी निशान लगाएंगे हम उल्टे साइड से लगाएंगे। अब अच्छे से इसको मिलाकर रखिए। तो कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह आपको कपड़े को रखना है और पैंट की कटिंग करने के लिए आपके पास इस तरह की सेफ हंटी जरूर होना चाहिए और एक फ्रेंच कर्वी भी होना चाहिए जिससे कटिंग करना बहुत आसान रहेगा। अब आपको क्या करना है कि बॉडी से नाप लेना है और इस तरह लिख कर रखना है। उसी नाप के हिसाब से कटिंग होगी जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पर कितना मार्जिन मिलाना है और कहाँ पर लूजिंग बढ़ाना है। तो इस तरह आपको सारे नाप लिख कर रखना है जैसे मैंने लिख कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है वो निकल जाएगा। इस तरह आप कपड़े को सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको मार्जिन लेना है तो मोहरी के लिए आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं और इस निशान को भी सीधा कर देंगे इस तरह। अब आपको निशान लगाना है पैंट की लंबाई का। जो भी आपकी साइज है उसको आपको रखना है यहाँ पर। तो जैसे कि इसे तैयार करना है मुझे 35 इंच में तो ये हो गया 35 फिक्स। अब यहाँ पर 1.5 इंच का बेल्ट फिट होगा, 1.5 इंच हो गया ये माइनस और 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्जिन बढ़ा लेंगे और इस निशान को सीधा कर दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग। तो ये तो आपको निशान लगाना आता ही होगा, ये तो कॉमन निशान है जैसे आप पैंट में लगाते हैं बस वैसे ही पहले लगा दीजिए। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 38 इंच, 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। तो ये निशान लगा दिया 9.5 इंच पर और 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे लूजिंग के लिए। अब यहाँ पर आपको आसन की साइज निकालना है तो हिप साइज का चौथाई भाग लीजिए और उसमें 1.5 इंच की लूजिंग बढ़ा दीजिए। तो जैसे हिप साइज का चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच और 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। 9.5 से हमने 11 इंच पर निशान लगा दिया और इस निशान को मिला दिया। तो अब आपको चेक करना है थाई का नाप, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी की थाई ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो आप एक बार नोटिस कर लीजिए कि कितना नाप है। तो जैसे कि इसमें थाई की साइज है 21 इंच, 21 का हाफ होता है 10.5 इंच। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये निशान ऑटोमेटिक ही आ जाता है, यहाँ पे आपको थाई का नाप रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी की थाई का नाप ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि इस तरह बढ़ाना है और इस निशान को तिरछा ले लेना है, ठीक है, इस तरह आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर गुलाई देना है। मीडियम साइज में गुलाई 2 इंच तक दी जाती है और अगर आप लार्ज साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको ये गुलाई 2.5 इंच पर देना है और जब आप स्मॉल साइज के लिए बनाते हैं तो ये गुलाई सिर्फ आपको 1.5 इंच पर देना है, ठीक है। इस तरह गुलाई को चेंज किया जाता है साइज के हिसाब से। अगर आप एक ही साइज सब में रखेंगे तो फिर ये बिगड़ जाता है, इधर से ये आसन बिगड़ जाएगा। अगर ये टाइट हो गया तो खिंचाव करेगा और ज़्यादा लूज हो गया तब भी ये बिगड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो लंबाई का नाप है उसको हाफ कर लीजिए, जो भी साइज होती है उसका इस तरह हाफ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही घुटने की लंबाई मिल जाएगी। तो इस निशान को हम सीधा कर देंगे और इसको भी सीधा कर देंगे इस तरह। अब जो भी साइज यहाँ पर है, यहाँ पे आपको देखना है कि कितना हो गया है, उसका हाफ कर लीजिए इस तरह। तो ये मिल गया है आपको सेंटर। सेंटर का निशान लगाने से पैंट कभी घूमता नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि सेंटर का निशान लगाते ही नहीं है और सीधा इस तरह मिला देते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटर का विशेष ध्यान रखना है। अब जो भी साइज इधर है उसी को आपको इस तरह पकड़ना है और नीचे की साइड लाना है, इस तरह निशान लगा लीजिए। अब इसी निशान को हम इस साइड ले लेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये सेंटर मिल जाता है। अब इस निशान को सीधा करेंगे।
इस तरह आपको मिला देना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है घुटने के नाप में, और जब भी आप बॉडी से घुटने का नाप लेते हैं तो ये नाप आपको लूजिंग के साथ लेना है, इस तरह नाप को नहीं लेना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब आप घुटने का नाप लेते हैं तो आपको इस तरह नहीं लेना है कि फिक्स ले लिया, अगर आप फिक्स लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, कम से कम इतना लूज रखिए, ठीक है। इस तरह लूजिंग के साथ आपको नाप लेना है। तो जैसे कि इसमें लूजिंग के साथ नाप आ रहा है 17 इंच, 17 का हाफ होता है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच को कैसे रखेंगे, 4 इंच 2 पॉइंट इस साइड रखेंगे और 4 इंच 2 पॉइंट इस साइड रखेंगे। अब यहाँ पर आपको मोहरी की साइज रखना है, तो जैसे कि इसमें मोहरी है 13 इंच, 13 का हाफ होता है 6.5 इंच, तो 6.5 को कैसे रखना है, 3 इंच 2 पॉइंट इधर रख दिया और 3 इंच 2 पॉइंट इधर रख दिया। तो इस तरह आपको सारे निशानों को सेंटर से निकालते जाना है। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है ऊपर की साइड, जो भी कमर की गुलाई होती है उसमें आपको बेल्ट के लिए यहाँ पर फिटिंग करना है। तो फिटिंग कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जैसे कि इसमें कमर की गुलाई है 34, 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच, तो ये तो हो गया 8.5 इंच, तो इसमें भी आपको 1 इंच की लूजिंग रखना है। ऐसा नहीं है कि जितना नाप है उतना फिक्स नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 9.5 इंच। अभी 1 इंच एक्स्ट्रा है ऊपर की साइड, तो यहाँ पर हमें उसको एडजस्ट करना है, तो इसकी हम यहाँ पर टक्स बना देंगे। तो आपको क्या करना है कि 0.5 इंच इस साइड से लेना है और 0.5 इंच इस साइड से लेना है, और लंबाई में 5 इंच के हिसाब से एक निशान बना लीजिए और बस इसको इस तरह मिला दीजिए। तो जितना ऊपर की साइड लूजिंग थी वो आपको प्लेट में कवर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेट बन जाएगी। अब आपको ध्यान देना है आसन की गुलाई की साइड। अब कई लोग इधर ही मिस्टेक करते हैं, सबसे ज़्यादा पैंट में मिस्टेक इधर ही होती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि आसन की जो गुलाई का निशान है वो आगे की साइड बढ़ाने की जगह पीछे की साइड ले लेते हैं। यहाँ पर थाई के निशान को चेक किया और फिर आसन की जो गुलाई का निशान है वो इधर ले लिया। इससे क्या होता है कि अब ये टाइट हो जाएगा और एक गुलाई है जो वो खिंचाव करेगी, क्योंकि ये निशान अब छोटा हो गया है। आसन जो लूज होना था वो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। तो आपको पीछे की साइड कभी भी निशान नहीं लेना है, हमेशा इसके आगे निशान जाता है। थाई का भी आप नाप लीजिए और आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि ये जो निशान है वो थाई के नाप से आगे होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर लूजिंग आएगी। अगर आप इसे पीछे ले लेंगे तो हिप साइज में भी टाइट हो जाएगा और थाई में भी टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको गुलाई देना है, तो गुलाई आप फ्रेंच कर्व से दीजिए, अगर फ्रेंच कर्व है तो उससे दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी निशान को देख सकते हैं। कम से कम आपको 1 इंच से ऊपर निशान लेना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि इस तरह निशान को मिला देते हैं, इस तरह मिला दिया, तो इसमें गहराई जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह गहराई को नहीं रखना है, ये गलत होता है बिल्कुल। आपको किस तरह देना है, इस तरह गुलाई को मिलाना है जिससे ज़्यादा गहराई ना हो इसमें। अब उठाना है सेफ हंटी और इस निशान को इस तरह मिला दीजिए। अब स्केल को बस पलटना है इस तरह और इस निशान को बस इस तरह मिला दीजिए। अब ऊपर की साइड आपको इस तरह निशान को ले जाना है, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये 0.5 इंच की लूजिंग यहाँ पर नोक सी बनाएगा। तो आपको कटिंग करते समय इसे इस तरह मिला देना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करना है, उसके लिए आप इस तरह कर दीजिए। इसे कटिंग करते समय हम काट कर निकाल देंगे। तो बस आपको आसन में थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर ये आसन में आपसे मिस्टेक नहीं होगी। बस आपको तो इतना ही ध्यान देना है आसन की साइड की, ज़्यादा गहराई नहीं देना है। थोड़ा सा ही आप ध्यान देंगे तो मिस्टेक आपकी सुधर जाएगी। अब दूसरा ध्यान देना है आपको मोहरी की साइड में, कि कई लोग क्या करते हैं कि मोहरी को इस तरह निकाल लेते हैं कि ये हो गया 6.5 इंच, मोहरी का हाफ कर लिया कि ये होगा 6.5 इंच, और बस इधर से ही स्केल को रखेंगे और इस तरह सीधा निशान मिला देंगे इससे। अगर इस तरह आप निशान को मिला देंगे तो फिर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मोहरी एक साइड से हो गई है, ये तो सिलवार जैसी कटिंग हो जाएगी
और फिर ये मुड़ता रहेगा, ना तो ये पेंट में रहेगा और ना ये सलवार में रहेगा। तो कई लोग इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पेंट बनाते हो तो उसका सेंटर निकालो। सेंटर निकालोगे तो ये बहुत ही अच्छे से रहेगा, तो ये कभी मुड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल साइड में ही जॉइंट आएंगे, तो ये सिलाई बिल्कुल आपके साइड में ही रहेगी, जिसमें आप मोहरी को ओपन भी रख सकते हो, ऊपर की साइड जैसे भी डिजाइन का लुक चाहो दे सकते हो। और अगर आपने सेंटर नहीं मिलाया तो फिर ये घूमता रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल गलत होता है, एक साइड से आपको मोहरी का निशान नहीं लगाना है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपके पास इस तरह की सेफ हंटी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पेंट कटिंग करते हैं तो सेफ हंटी से आप आसानी से कर्व दे सकते हैं, या तो फिर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे आप हाथ से ही कर्व को दे सकते हैं पेंट में, क्योंकि दोनों साइड से बराबर से कर्व आता है इसके। तो या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास सेफ हंटी होना चाहिए, और सिलाई सीखने के लिए आपके पास ये दोनों स्किल होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको बस तीन बातों का ही ध्यान रखना है, पहला आसन की साइड, दूसरा मोहरी की साइड और तीसरा एक कर्व की साइड, कि इसको गुलाई से आप सही कर्व देंगे तो पेंट आपका ना तो घूमेगा, ना आसन में खिंचाव करेगा और ना ये नीचे से टंगेगा। जब ये निशान सीधा हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम आती है, जब ये नीचे से टंग जाता है पेंट। तो बस अब हम इसी निशान पर कटिंग कर देंगे, आपको बस थोड़ा सा इसको ध्यान देना है और अपनी कटिंग से मिलाना है कि आप मिस्टेक कहाँ पर करते हैं। तो इस तरह आपको सारे नापों को ध्यान रखते हुए पेंट की कटिंग करना है। अब हम इसी को उठाएंगे और पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे, उसमें भी आपको ध्यान देना है कि आगे और पीछे के पार्ट में कितना चेंज किया जाता है। तो ये कपड़ा जैसा डबल में रखा हुआ था वैसा ही कपड़ा रखा हुआ है, आपको आगे के पार्ट को उठाना है और इसमें मिलाकर सेट करना है। इस तरह अच्छे से मिलाकर रख लीजिए, नीचे से बिल्कुल बराबर से मिलाइए और इस साइड से भी बिल्कुल बराबर से मिला दीजिए। अब आपको ना तो नीचे की साइड कुछ करना है और ना आपको साइड में कुछ करना है, जैसे इसकी कटिंग है वैसे ही सेम निशान बना लीजिए। अब जो भी चेंज होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इलास्टिक उठाना है और पेंट के लिए बकरम लेना है, तो ये ले ली हमने पेंट के लिए बकरम। अब इस निशान से मिलाकर इस तरह रख देंगे तो यहाँ पर ये बेल्ट बन जाएगा और एक निशान यहाँ पर बना लेंगे। तो ये तो हो गया बेल्ट के लिए बराबर से निशान, आगे की साइड इसको निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको कम से कम 2 इंच से 2.5 इंच तक लंबाई में बढ़ाना है, पीछे का पार्ट हमेशा बढ़ाया जाता है। अब ये बढ़ा दिया हमने 2.5 इंच ऊपर की साइड। अब इस निशान से इसको मिला देंगे, पहले हम इस निशान के बराबर से इसको मिला देंगे इस तरह। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितनी साइज हमने बढ़ाई है उसी के बराबर से एक निशान लेना है, तो इस तरह स्किल को रखिए और इसके बराबर से निशान बना लीजिए, ये निशान इस तरह बन जाएगा। अब इसको जिस तरह रखे थे हम उसी तरह हमने इसको रख दिया है, ठीक है। इस तरह रखने के बाद अब इस निशान को तिरछा ले लेंगे और इसी में मिला देंगे, तो इस तरह आपको बराबर से मिला देना है। अब यहाँ पर पीछे के पार्ट में डलती है इलास्टिक, अब इलास्टिक की जो भी साइज है उसके हिसाब से ऊपर की साइड आपको मार्जिन बढ़ाना है। तो जैसे कि इसमें इलास्टिक की साइज है 1.5 इंच, तो यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंच का, जो इलास्टिक में फोल्ड होगा, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, इस तरह आपको निशान को ले जाना है। पीछे की साइड आपको इतना चेंज करना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी साइज यहाँ पर बढ़ाई है उसी को आगे की साइड ले जाना है, तो इस तरह फिर देख लीजिए और जो भी साइज आती है उसको यहाँ पर रख दीजिए। तो जैसे अगर आप स्मॉल साइज की कटिंग कर रहे हैं तो आप इस निशान को स्मॉल साइज के हिसाब से ले जाएंगे, जैसे मैंने आपको आगे के पार्ट में बताया था कि स्मॉल साइज में निशान 1.5 इंच पर आएगा, तो यहाँ पर भी ये 1.5 इंच पर जाएगा और इधर भी ये 1.5 इंच पर ही जाएगा। और अगर आप लार्ज साइज के लिए करेंगे तो ये निशान 2.5 इंच पर इधर आएगा और 2.5 इंच पर ही इधर बढ़ जाएगा। अब जितनी साइज इधर है उतनी ही साइज आपको इधर ले जाना है, 2 इंच इधर है
तो 2 इंच इधर रहेगा और 2 इंच इधर रहेगा। इस तरह आप निशान को मिला दीजिए। अब बस सेफ हंटी उठाना है और इसका सेप दे देना है इस तरह, और यहाँ पर आप फ्रेंच कर्व से कर्व दे दीजिए। बस पीछे की साइड आपको इतना ही चेंज करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बस आपको इस तरह निशानों को मिला देना है। अब इस निशान को भी हम पूरा कर देंगे इस तरह। अब हम इस निशान पर भी इसकी कटिंग कर देंगे। जो आगे के पार्ट में हमने झुकाव दिया था उसकी इस तरह कटिंग करना है। आगे के पार्ट में हमने इस तरह का झुकाव दे दिया है, जो पहले हमने निशान लगाया था उसी को काट कर निकाल दिया है। आपको बस पैंट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पीछे के आसन को बढ़ाना है, जिससे आसन आपका पीछे से कभी नहीं खिसकेगा, और इस तरह की आपको गुलाई देना है आसन में, जिससे आसन कभी खिंचाव नहीं करेगा। और नीचे की साइड इस तरह कर्व से निशान लगाना है, जिससे ऊपर की साइड कभी नहीं टंगेगा। और इस तरह आपको सेंटर निकालना है मोहरी के लिए, जिससे कभी भी घुमाव नहीं करेगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से लेडीज पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और पूरा पैंट सीखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।